आपने हेलीकॉप्टर को कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर में कौन से ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि हेलीकॉप्टर में कौन से ईंधन का उपयोग किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। हेलीकॉप्टर में एविएशन फ्यूल्स का उपयोग किया जाता है। एविएशन फ्यूल का मतलब है एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला ईंधन। एविएशन फ्यूल को क्रूड ऑयल से बनाया जाता है या वो क्रूड ऑयल और सिंथेटिक ऑयल का मिश्रण हो सकता है। एविएशन फ्यूल्स में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या अन्य तेल हो सकते हैं और उनकी गुणवत्ता साधारण तेल से अधिक होती है। हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होने वाला ईंधन हेलीकॉप्टर के इंजन के प्रकार पर निर्भर करता है। छोटे आकार के हेलीकॉप्टर में पिस्टन इंजन का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल पिस्टन इंजन वाले हेलीकॉप्टर में एविएशन गैसोलीन का उपयोग किया जाता है। एविएशन गैसोलीन का मतलब है एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल। एविएशन गैसोलीन को एवगैस या एविएशन स्पिरिट भी कहा जाता है। और डीजल पिस्टन इंजन वाले हेलीकॉप्टर में डीजल या केरोसिन का उपयोग किया जाता है। बड़े आकार के हेलीकॉप्टर में गैस टरबाइन इंजन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के हेलीकॉप्टर में केरोसिन बेस्ड जेट फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। जेट फ्यूल को एविएशन टर्बाइन फ्यूल भी कहा जाता है। साथ ही इसे संक्षिप्त में ATF या एउटर कहा जाता है। जेट फ्यूल्स के कई प्रकार होते हैं। इनमें से जेट ए और जेट A1 प्रकार के ईंधन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से जेट ए प्रकार के ईंधन का उपयोग मुख्य रूप से अमेरिका में किया जाता है और बाकी देशों में जेट A1 प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। अब आपको पता चला होगा कि हेलीकॉप्टर में कौन से ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस रोजाना देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।